आज हम बीकानेर जंक्शन में खड़े हैं और 1 नवंबर 2018 से बीकानेर ही नहीं ऑल ओवर इंडिया भारतीय रेल ने एक अनूठा प्रयास चालू किया है, वह है ऑनलाइन ई टिकटिंग। इसके द्वारा जो दैनिक यात्री अपनी यात्रा करते हैं और जल्दबाजी में टिकट नहीं ले पाते, उनके लिए ये सुविधा बहुत ही रामबाण सिद्ध हुई है। इसके बारे में हम आज आपसे बात करते हैं। ये हमारे साथ है श्री रविंद्र पारिक जी, डाटा इंस्पेक्टर हैं, जो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसका ये गूगल प्ले पे अवेलेबल है, इसका नाम है यूटीएस रेलवे ऐप, यूटीएस ऐप। हाँ, रविंद्र जी कृपया करके इसके बारे में विस्तार से बताएं। रखते हुए रेल ने यूटीएस ऐप का प्रारंभ किया है 1 नवंबर 2018 से। अच्छा, गूगल में गए आप, गूगल में जाके आप यूटीएस लिखोगे, यूटीएस, ये यूटीएस ऐप आ गया। इसको आपने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हुआ, ये आपका यूटीएस इंस्टॉलेशन होगा। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना 94, पासवर्ड डालना है आपको, अपना पासवर्ड बनाना है वो डालना है। मैंने अपना पासवर्ड बना रखा है 5, लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। इस तरीके से ये आपकी साइट खुलेगी। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको करना है तो उसमें आपको पूरी जानकारी डालनी पड़ेगी, आपका अपना मेल, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा डालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डालने के बाद बुकिंग टिकट में गए ऑप्शन में, आपने नॉर्मल बुकिंग किया, दो ऑप्शन आएंगे, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, बुक एंड प्रिंट पेपर टिकट। बुक पेपरलेस भी टिकट बनेगा, पेपर टिकट भी। पेपरलेस टिकट आपके मोबाइल के अंदर रहेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने बीकानेर स्टेशन पे, हम खड़े हैं बीकानेर स्टेशन, लिया आपको नापासर जाना है, नापासर का पूरा स्पेलिंग डाल दो या दो अक्षर डालोगे तो भी आ जाएगा, ये नापासर आ गया। इसमें आपने डन किया, इसमें पूरी जानकारी आएगी, कितने एडल्ट चाहिए, 1 एडल्ट, चाइल्ड आपको चाहिए, चाइल्ड लोग नहीं तो 1 एडल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। जर्नी टिकट है, ऑर्डनरी है, मेल एक्सप्रेस करना है मेल एक्सप्रेस कर लो, सुपरफास्ट करना है सुपरफास्ट कर लो। अब आपको ऑर्डनरी में जाना है। सेकंड है रेल वॉलेट से, पैसा किससे लेना है आपको, रेल वॉलेट से लेना है या आपके नेट बैंकिंग से लेना है। रेल वॉलेट अगर आपने रिचार्ज कराया है तो रेल वॉलेट से लीजिए, नहीं तो नेट बैंकिंग से, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI, इससे भी आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल रेल वॉलेट से ट्रांजेक्शन करूँगा। ये टिकट बना बीकानेर से नापासर, 1 एडल्ट, 10 रुपये। अब मैं बुक का ऑप्शन लगाते ही ये टिकट बुक हो जाएगा, मेरे इस पर मोबाइल पर आ जाएगा। टिकट छापने के लिए इसमें गए, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला 9, मेरी बुकिंग आईडी थी 127, ठीक है। उसके बाद में ये किया, सेलेक्ट किया, ये टिकट बाहर आ गया, ये प्लेटफॉर्म टिकट निकल गया। ये इस तरीके से मैं आपको पेपरलेस टिकट के बारे में बताया। पेपरलेस टिकट रेलवे ट्रैक से डिस्टेंस पे और 5 किलोमीटर की से अंदर ही टिकट इशू होगा। पेपर टिकट आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े होकर बना सकते हैं। पेपर टिकट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। पेपर टिकट में आपने नॉर्मल बुकिंग में गए, बुक्ड प्रिंट पेपर टिकट में गए ऑप्शन में, उसके बाद मैंने बीकानेर से नापासर का एक टिकट बना रहा हूँ। बीकानेर से मैंने ये सेलेक्ट किया स्टेशन, डेस्टिनेशन मैंने सेलेक्ट किया नापासर। अब मैंने डन किया, एक पैसेंजर का टिकट, जर्नी ऑर्डनरी ट्रेन सेकंड क्लास, ये मैंने इसको ओके किया, ये मेरा टिकट जनरेट हुआ, बुक टिकट किया, 35 रुपये का टिकट बना। ये मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है या बुक आईडी 295। मैं मोबाइल ऐप की मोबाइल टिकट पे गया, 2 मिनट दिया, नापासर का बना रहे हो, नापा, हाँ डोंगरगढ़ दे दो, 9941445 2673, ये मैंने डाला, ट्रांजेक्शन आईडी है 295 295, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये नापासर का टिकट निकल गया, ये नापासर का टिकट बाहर आ गया।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये नाका सर है, टैबलेट दिखाया गया उसमें बकायदा हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ है 01412725942। अगर आपके ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप, जैसे आपने रेल वॉलेट रिचार्ज किया, नेट बैंकिंग से आपने रिचार्ज किया, तो आप उसे आपके वॉलेट में पैसा नहीं आया या आपका टिकट नहीं निकला, तो आप हेल्पलाइन में संपर्क कर सकते हो। मेल आईडी भी उसी स्टिकर पे दे लगती है जो आपको पहले आपने देखा होगा, स्टिकर के ऊपर मेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर दोनों दिए जाते हैं।